ऑटो को बुक कर रहा हूँ फोर्ट रेलवे स्टेशन के लिए। कैन यू प्लीज टेल मी इट इज द ट्रेन नंबर 1015। तो हैरानी इस बात पे हो रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतनी मैंने दिल्ली में नहीं देखी है। वैसे सही बताऊँ तो यहाँ की बिल्डिंग मैंने देख रहा 50-60 माले तो यूं ही बना दे रहे हैं यार, और बिल्कुल प्राइम लोकेशन बनाया गया। अगर मैं देखूँ एज अ टूरिस्ट तो उनको ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। दिल्ली को भी, दिल्ली में भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को यार। इंडियन रेस्टोरेंट मैंने सुने तो है कि यहाँ पर हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन हम गरीबों का सहारा, मैकडोनल्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि मुझे अब वहीं जाना चाहिए। ₹580 मैंने पे किए हैं मैकडोनल्ड में, और खाया है मैक राइस चिकन वाला। एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर कहीं और कुछ ना मिले तो मैकडोनल्ड में आके खा लो। तो आज के दिन की मैं यही समाप्ति करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील एक्स्ट्रा फ्रॉम इंडियन। तो इस वक्त मैं अपने होटल से बाहर आ चुका हूँ और ऑटो को बुक कर रहा हूँ फोर्ट रेलवे स्टेशन के लिए, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगा कैनेडा की ओर। तो इस वक्त बैठ गया हूँ मैं ऑटो में, और यहाँ से एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है 20 मिनट ट्रेन में पहुँचने का। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको 8:30 की सपोज आपकी ट्रेन है तो करीब 1-1.5 घंटे का बफर लेके आप यहाँ से अपने होटल से निकल सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से मेरी ट्रेन जाएगी, और आपको दिखा देता हूँ ये रेलवे स्टेशन किस तरह दिखाई देता है। आपको मैं बताना भूल गया कि यहाँ से जो ट्रेन चलती है अपने 3 क्लॉक अवेलेबल रहेंगे। तो जब मैं गया टिकट लेने तो 2 क्लॉक अवेलेबल थे फर्स्ट और थर्ड, बट मैं तो थर्ड बुक कर लिया, क्योंकि वैसे मैं भी मैंने सुना है कि जो थर्ड क्लास सेकेंड क्लास में रहते हैं वो फर्स्ट क्लास में स्विच कर जाते हैं। मेरा सीट नंबर है TCR 52। TCR का मतलब यही होता है कि आप थर्ड क्लास पैसेंजर हैं। अगर यही फर्स्ट क्लास होता तो यहाँ पे शायद FCR लिखा रहता, सेकंड क्लास होता तो शायद SCR लिखा रहता,
मेरा थर्ड क्लास था इसलिए TCR लगता हुआ है। जैसे मैंने कहा था 350 रुपये इसका टिकट है, और अगर आप फर्स्ट सेकंड क्लास में जाना चाहते हो तो 100-200 के डिफरेंस में ही आपको उसका टिकट भी मिल जाएगा। तो भाई ये रही मेरी ट्रेन, ये तो फर्स्ट क्लास बड़ा दमदार लग रहा है यार, मुझे इसकी बुक करनी चाहिए थी। लेकिन अभी हम जा रहे हैं थर्ड क्लास। तो भैया ये ट्रेन है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है भाई। ट्रेन की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। थर्ड क्लास तो मेरा यह तो इतना बुरा नहीं है जितना फर्स्ट सेकेंड लग रहा है, ऐसा ही थर्ड भी लग रहा है। बाकी मेन तो यही है, क्राउड इस जगह को बुरा बनाते हैं, देखते हैं अगर क्राउड कितना भर के आता है। फिलहाल अभी तो हो रहे हैं 8:00 तक शुरू हो जाएगी, मुझे मेरी सीट मिल गई है और मैं निश्चित बैठा रहूँगा करीब। वैसे तो बोले थे 2.5 घंटे में पहुँचा देगी ये ट्रेन, लेकिन जब मैं इंटरनेट में चेक करूँ तो करीब करीब 4 घंटे लग रहे हैं। तो 9 मिनट वेट ही करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट 11 से 12 बजे के बीच में मैं वहाँ पर। और मेरे को लगता है मैं एक ही दिन ही कैंडी में गुजारूंगा, उसके बाद बाकी के सारे दिन मेरे दोबारा एलिया फिर एलिया, उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ पर गुजरेंगे। बाद में वो टावर आप देख रहे होंगे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल से अगले महीने तक वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरे एशिया का सबसे ऊंचा बता रहे हैं, या श्रीलंका का, वो एक बार कंफर्म करके मैं नीचे लिख दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा पूरा टावर है जिसमें आपको मॉल, नाइट क्लब, पार्टीज हॉल, बैंक्वेट और होटल ये सब देखने को मिलेंगे जो कि नेक्स्ट मंथ खुलने वाला है। इन ट्रेन में ना वॉशरूम भी है, कोई वीडियो में दिखाता नहीं है भाई, लेकिन नॉट टू वरी, अगर आप इन तरह की ट्रेनों में आ रहे हैं तो आपको वॉशरूम मिलेंगे। लगेज एरिया भी दिया हुआ है, ऊपर भी आपके लगेज एरिया है रखने के लिए। 2-2 सीटर्स है, सामने टेबल भी है खाने पीने के लिए, नज़ारों के लिए बड़ी विंडो दी रखी है, ये दैट इज प्लस। मेरे पास उस ट्रेन की टिकट है बट इसमें 1015 ट्रेन नंबर दिया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 1015 ट्रेन नंबर होगा। कैन यू प्लीज चेक, इट इज़ द ट्रेन नंबर 1015। Because I did not find any name of the train in this train ticket. This is train number. So this is the train number. But when I was boarding the train, no number was mentioned in the train. In the front? Yes. This is the train number. Madula. Yeah. Madula. Okay. This is intercity. Intercity train. No, intercity no, express. Normal train. Okay. So prices are different for normal and intercity train. Okay, that is costly than this. तो जैसे हमारे भाई साहब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप इंटरसिटी की ट्रेन पकड़ते हैं ना तो वो थोड़ी कॉस्टली होगी। ये नॉर्मल ट्रेन है जो कि मुझे 350 श्रीलंकन रुपीज़ की पड़ी है। भाई मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा है, लोग बोलते हैं कि टिकट चेक करें ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते, मतलब टिकट चेक करने नहीं आते, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। जिस भी बोगी की आपने ट्रेन बुक करी है उसी जगह बैठे रहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि मेरे पास तो टिकट चेक कराया है, मेरी टिकट चेक की है, तो थैंकफुली मैं अपनी सीट से हिला हूँ। तो आपको भी मैं यही हिदायत दूँगा, ज़्यादा ओवर स्पॉट बनने की कोशिश ना करें, जहाँ आपकी सीट है वहीं पर बैठें।
कोई रश नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं।